बिग बॉस 18 में वाइल्ड कार्ड एंट्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि शो में इससे पहले भी दो लोगों कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह राठी ने एंट्री की थी और अब शो में नई एंट्री गेम में ग्लैमर और ड्रामा जोड़ने के लिए तैयार हैं। अब शो के 8वें हफ्ते में नई वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री कर चुकी है एक्ट्रेस एडन रोज। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडन रोज के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका रियल नेम एडन रोज है और निक नेम बारबी। प्रोफेशन से ये एक एक्ट्रेस और मॉडल है। इनका जन्म 20 अगस्त 1998 को दुबई यूएई में हुआ था और आज 2024 के हिसाब से ये 26 इयर्स की हो चुकी है। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, इनकी आईज का कलर मॉस ग्रीन है और हेयर्स का कलर लाइट एश ब्राउन है। इनका रिलीजन इस्लाम है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। बात करें अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनके पास एरोनॉटिक्स में डिग्री है। बात करें अगर इनकी फैमिली के बारे में, तो हमारे पास अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो ये अभी अनमैरिड है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। एडन रोज दुबई में एक संपन्न परिवार से हैं। उनके पिता का परिवार बर्मा से है और तमिल मूल का है, जबकि उनकी माँ आंशिक रूप से कर्नाटक से हैं। एडन एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, क्योंकि वह साउथ इंडियन फिल्में देखकर बड़ी हुई थी। एक बच्चे के रूप में वह अपनी माँ का दुपट्टा ओढ़ती थी, लिपस्टिक लगाती थी और टेलीविजन के सामने पोज देती थी। अक्सर स्क्रीन पर देखे गए एक्टर्स की नकल करने की कोशिश करती थी। 20 साल की उम्र में एडन दुबई यूएई से मुंबई इंडिया आ गई, ताकि एक्टिंग में अपना करियर बना सके। एडन रोज ने एक्टर और एक्टिंग कोच सौरभ सचदेवा से एक्टिंग की क्लासेस ली और अपने स्पीच और डांस पर काम करना शुरू किया, और साल 2020 में अपने करियर की शुरुआत एक वेब सीरीज के की। इनकी डेब्यू वेब सीरीज का नाम था गंदी बात, जिसमें इन्होंने वसुधा का कैरेक्टर प्ले किया था। साल 2022 में वह सिने प्राइम की सीरीज गुड गर्ल्स ब्राइड्स नाइट में अलीना के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने हेल्प मी नामक एक शॉर्ट फिल्म में अदिति का कैरेक्टर प्ले किया। एडन की एक बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक दोस्त से मुलाकात हुई, जिसने उन्हें अभिनेता और निर्माता रवि तेजा से मिलवाया। एक हफ्ते बाद उन्हें एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उन्हें बिना ऑडिशन के फिल्म रावणसुर में एक विशेष नृत्य भूमिका के लिए चुन लिया गया है। ये इनकी डेब्यू तेलुगु मूवी थी, जो साल 2023 में आई थी। एडन और उनका परिवार केवल इंग्लिश बोलता है, लेकिन साउथ इंडियन फिल्में देखने से उन्हें सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज की अच्छी समझ हासिल करने में मदद मिली। एडन रोज आमतौर पर अपना दिन सुबह 11 बजे नाश्ते के साथ शुरू करती हैं, उसके बाद मीटिंग करती हैं। कम मीटिंग वाले दिनों में वह अपनी एक्टिंग की किताबें पढ़ती हैं और सीन फिर से करती हैं। साल 2024 में उन्होंने डॉक्टर सीमा राव के कॉम्बैट आर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जेन मेडिटेशन और बोकेन की कला इंट्रोडक्शन में एक सर्टिफिकेट अर्न किया है। और अब साल 2024 में वह कलर्स टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस सीजन 18 में एज अ वाइल्ड कार्ड दिखाई देगी। देखते हैं इनका बिग बॉस का ये सफर कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो इन्हें ट्रैवलिंग और फिटनेस काफी पसंद है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके घर के बारे में कि ये रहती कहाँ पर है। तो इनका फैमिली हाउस दुबई में है और करंटली ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास कार है लैंड रोवर, रेंज रोवर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये थी एडन रोज की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।